घर घर का श्रृंगार प्रेम सनातन। बीरभूजा देवी मंदिर का इतिहास भविष्य पुराण में मिलता है। हालांकि अगर बजरंगगढ़ के इतिहास से हम इसको तुलना करते हैं तो बजरंगगढ़ का इतिहास राजा जय सिंह से मिलता है। लगभग 250 वर्ष पूर्व राजा जय सिंह यहाँ हुए थे। लेकिन बीरभूजा देवी का जो इतिहास मिलता है वो भविष्य पुराण के अनुसार द्वापर युग में मिलता है। द्वापर युग में महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र था जिनका नाम था दानवीर कर्ण। कहते हैं कर्ण से एक बार परशुराम जी कुपित हो गए और उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। परशुराम द्वारा श्राप मिलने से भय का अंतरा राजा कर्ण ने तुरंत परशुराम के श्री चरणों में अपना सर डाल दिया और उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने मुझे श्राप तो दे दिया है, अब इस श्राप से मुक्ति का मार्ग भी मुझे आप ही बताएंगे। कहते हैं परशुराम ने कर्ण पर दया खाकर इस स्थान के बारे में बताया कि तुम फलास्थान के अरण्य में जाकर के तप करोगे और वहाँ तुम्हें देवी साक्षात दर्शन देगी, वही तुम्हें उस मुक्त हमारे श्राप से मुक्ति दे सकती है। कहते कि दानराज कर्ण यहाँ आए और 9 वर्ष तक उन्होंने इसी घनघोर अरण्य में बैठकर तप किया था और यहाँ माँ अपनी 20 भुजाओं के स्वरूप के साथ प्रकट होकर के कर्ण को न सिर्फ दर्शन दिया था बल्कि परशुराम के श्राप से भी मुक्त किया था। तब से यह स्थान अत्यंत पावन है। कहते हैं कि एक बार जो भी व्यक्ति इस मंदिर की चौखट पर अपना सर रखता है उसे मनोवांछित कामना पूर्ण होती है। कहते तो ये हैं भविष्य पुराण के अनुसार कि जैसे ही आप इस मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं आप 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं और जब मंदिर में माँ की 20 भुजा के दर्शन करते हैं तो जन्म जन्मांतर के पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। हम आपको लिए चलते हैं मंदिर के गर्भगृह में जहाँ 20 भुजी माता विद्यमान हैं जिन्होंने कर्ण को दर्शन देकर उन्हें श्राप मुक्त किया था। कर्ण को श्राप लगा था परशुराम का, परशुराम ने राजा दानवीर कर्ण को श्राप दिया था और श्राप से मुक्ति के लिए का मार्ग भी परशुराम ने कर्ण को बताया था। वो ये वही स्थान है जहां पर कर्ण ने बैठ करके 9 वर्ष तक तप किया था और 9 वर्ष बाद माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिया था। कहते हैं जब माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिया था तो उनकी 20 भुजाएँ थी, 20 भुजा में माँ ने प्रकट होकर कर्ण को परशुराम के उस श्राप से मुक्त किया था। हम इस मंदिर के और इतिहास के लिए हम बात करते हैं यहाँ के पुजारी महेश शर्मा जी से। मंदिर का इतिहास महाभारत के समय में मिलता है, भविष्य पुराण के उत्तर भाग में और पद्म पुराण में भी भगवती का इतिहास मिलता है। इतिहास अंगराज कर्ण ने यहाँ पर 9 वर्ष तक तपस्या की गुरु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए और गुरु परशुराम जी ने ही उन्हें यह मार्ग बताया कि तुम विंध्य पर्वत की श्रेणी शाश्वत नाम की पर्वत श्रृंखला पर जाओ, वहाँ महर्षि दुर्वासा की आराध्या भगवती सदैव विराजमान है। और 9 वर्ष तक आराधना जब कर्ण ने की भगवती 9वें वर्ष में प्रकट हुई और भगवती ने गुरु का जो श्राप मिला था परशुराम जी का कर्ण को, उससे जो डाह उत्पन्न हो रहा था कर्ण के मन में गुरु से असत्य संभाषण का, उसको दूर किया। जहाँ जो है नवरात्रियों में मेला लगता है और भगवती के जो है 20 हाथ हैं, भगवती 20 हाथों से दर्शन देती है माँ और महालक्ष्मी का भगवती का स्वरूप है। यहाँ जो है भगवती की पूजन जो है रात में 12 से 4 तक का होता है और विशेष करके जो है भगवती की पूजा जो है अष्टमी को की जाती है। 5000 वर्ष पूर्व यहाँ कर्ण ने तपस्या की थी। इसका इतिहास ये है कि कर्ण ने भगवान परशुराम को अपना गुरु माना था और भगवान परशुराम से सारी दीक्षा शिक्षा ली थी। एक बार क्या हुआ कि भगवान परशुराम अपने शिष्य कर्ण की गोद में अपना सर रखकर सोए हुए थे, सारी शिक्षा प्राप्त कर रहा था। उस समय इंद्र एक कीड़ा बनकर आ गया और उसने कर्ण की जंगा को काटना चालू कर दिया, परंतु कर्ण को पता था कि यदि मैं हिलता हूँ तो गुरु की नींद टूट जाएगी, परंतु कीड़ा धीरे 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 कर्ण की जंगा को काटता रहा और उसने काफ़ी बड़ा छेद कर दिया, परंतु कर्ण गुरु की नींद ना खुले इसके लिए अडिग बना बैठा रहा। जब कर्ण नहीं उठा इसके बाद में क्या हुआ कि उसी इंद्र ने भगवान परशुराम के कान में काट लिया और भगवान परशुराम के कान में काटा तो परशुराम जी की निद्रा खुल गई। निद्रा खुली थी जब उन्होंने देखा तो
अपने शिष्य की जंघा से खून निकल रहा था। भगवान परशुराम ने देखा कि ये कर्ण ये किसने काटा, उन्होंने कहा गुरु ये कीड़े ने काट लिया। तो कीड़े ने काट लिया और तुमने मेरे से ब्राह्मण बन के ये शिक्षा प्राप्त की थी, ब्राह्मण इतना कष्ट तो सहन नहीं कर सकता, इसलिए निश्चित है कि तुम क्षत्रिय हो और तुमने मुझसे ये भेद छिपाया है। मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुमने मुझसे जो भी शिक्षा ग्रहण किए वो तुम्हें जब आवश्यकता होगी ये काम नहीं आएगी। कर्ण हाथ जोड़कर कहने लगा कि प्रभु ये शिक्षा मेरे को भले ही काम ना आए परंतु मेरे मन में ये बड़ी पीड़ा हो रही है कि मैंने आपसे जो शिक्षा ग्रहण की है वो काम ना आए, परंतु इसका मेरे गुरु ये जो श्राप है मैं इससे मुक्त कैसे होऊंगा। तब भगवान परशुराम ने कहा कि आप शाश्वत पर्वत प्रसरणी पर जाएं, वहाँ पर मां भगवती विराजमान है और वहाँ पर तुम तपस्या करो। कर्ण इस स्थली पर आया था, 9 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी, 9 वर्ष के पश्चात मां भगवती ने 20 भुजाओं से कर्ण को दर्शन दिए हैं और दर्शन देने के पश्चात गुरु श्राप से मुक्त हुआ है कर्ण। तभी से माँ का ये भव्य मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। 2 वर्ष में 2 मेले यहाँ पर भरते हैं, चैत्र में और कुंवर में। लगभग 1000 श्रद्धालु यहाँ से पूरे मध्य प्रदेश से आते हैं, माँ भगवती के दर्शन करते हैं। माँ भगवती के पीछे सिंदूर की लोग टिपकियाँ और उल्टा साथिया बना के जाते हैं। जिन माता बहनों को बच्चे नहीं होते या किसी तरह से पीड़ा से दुखित होती हैं वो उल्टा साथियाँ बना जाती हैं, अगले नवरात्रि में आके वो सीधा कर देती हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये भगवती का सच्चा दरबार है, यहाँ जो भी मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। राम के श्राप से मुक्त होने के लिए दानवीर कर्ण इसी जगह पर आए थे और इसी विंध्य पर्वत माला पर बैठकर 9 वर्ष तक उन्होंने तप किया था। यहीं माँ भगवती 20 भुजा में प्रकट होकर के उन्हें दर्शन दिया था और श्राप मुक्त किया था। इसके बाद की कथा बेहद विचित्र है। कहते हैं भैरवनाथ माँ की चौकीदारी में हर समय यहीं रहते थे। भैरवनाथ इस मंदिर पर कुछ लोगों ने उपद्रव किया, भैरवनाथ कुपित हुए, उन्होंने उस बगल की उस पुरी की पूरी आबादी बस्ती को और मंदिर को उठाकर पलट दिया। मंदिर और साथ के सारी बस्ती रसातल में चली गई। बेहद रोचक कथा हम जानेंगे यहाँ के पुजारी महेश शर्मा के मुख से। कालांतर में यहाँ पर इस शाश्वत शिखर को अर्धचंद्राकार में आवर्त किए पट्टन नाम का महानगर बसा हुआ था। भगवती पट्टन महारानी कहलाती थी। भगवती के दरबार में भैरव सदैव विराजमान रहते थे। पट्टन नाम के कुछ उत्पाती युवकों ने भैरव को अधिक दिनों तक तंग किया। कुपित होकर के भैरव ने श्राप दिया जिससे पट्टन नगर उल्टा हो गया। कदाचित किसी प्राकृतिक आपदा, शायद भूकंप वगैरह के कारण। उसके बाद भगवती की प्रतिमा भी रसातल को चली गई। उपरांत महादजी सिंधिया ग्वालियर महाराज, उनको स्वप्न दिया भगवती ने बहुत काल के उपरांत, तो उनके प्रधान सेनापति यहाँ पर स्वप्न के माध्यम से जो जगह बताई गई थी उसको खोजते हुए यहाँ पर आए। ये नीचे नाला है और इस तरह की पहाड़ी है, चहुओं बांसों का घेरा था यहाँ पर, पूरी पहाड़ी पर बांस ही बांस थे। उन्होंने उन बांसों की कटाई करवाई तो भगवती की काले पत्थर की प्रतिमा, बंगाली शैली की भगवती महालक्ष्मी की प्रतिमा उनको यहाँ पर मिली। और इतिहास की ओर अगर दृष्टि डालें तो भविष्योत्तर पुराण और पद्म पुराण और श्रीमद् देवी भागवत पुराण, तीनों में भगवती की कथा आती है। इस पर्वतमाला का वर्णन आता है और कर्ण की कथा भी यहाँ पर ये आती है, तो उससे ये वर्णन पूरा का पूरा मेच करता है, मिलता है। तो भगवती 20 हाथों से दर्शन देती हैं। ये उन्होंने अंगराज कर्ण को जब 20 हाथों से दर्शन दिए तो स्वयं भगवती का मुखवाक्य है। अंगराज कर्ण के वास्ते भगवती ने स्वयं कहा कि मैं अपने प्रिय भक्त को 20 हाथों से दर्शन दूंगी, इसलिए जगत में मेरा नाम 20 भुजा करके विख्यात होगा। वैसे 18 भुजा महिषासुर मर्दिनी 18 भुजाओं वाली ही सप्तशती के अंदर वर्णित हैं, परंतु यहाँ पर भगवती का 20 भुजा का स्वरूप है जो अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता देखने को। यहाँ पर 1 माह का मेला भी लगा कई वर्षों तक, जब तक सामंती राज चला। ग्वालियर महाराज स्वयं यहाँ पधारते थे, उनके जितने सामंत थे वो सभी यहाँ पर आते थे और इस मेले में टैक्स फ्री था, वस्तुओं पर बेचे जाने पर बिक्री कर जो है वो फ्री था। बाद में वही मेला ग्वालियर चला गया। अभी यहाँ पर दोनों नवरात्रों का मेला, शारदीय नवरात्र और वसंत नवरात्र में 9 दिनों का मेला लगता है और वैसे भी भक्तजन यहाँ पर आते रहते। कुपित भैरवनाथ ने पट्टन नगर को पलट दिया था, पट्टन नगर रसातल में चला गया था। बात पौराणिक काल की है और द्वापर युग की है, हालांकि उसके अवशेष तो कुछ भी नहीं है।
लेकिन जहाँ पर इस बात को बताया जाता है कि यह पट्टन नगर था, वह स्थान अब वीरान और सुनसान पड़ी हुई है। हालांकि जब खुदाई की जाती है तो वहाँ की प्राचीन संस्कृति के कुछ गिन्नियाँ, कुछ मोहर, मृण भांड के टुकड़े इत्यादि सामग्री मिलता है। यानी इससे ये तो स्पष्ट होता है कि कोई ना कोई आबादी यहाँ पर पल्लवित हुई है, कोई ना कोई आबादी रही है। चिन्ह कोई नहीं है, लेकिन हम आपको वह स्थान जरूर दिखाएंगे। कहा जाता है जिसे काल भैरव ने पलट दिया था, पाटन नगर एक समृद्ध राज्य था। मंदिर के ही ठीक पास में पाटन नगर एक नगर था। कहते हैं पूर्ण विकसित, शिक्षित, सुशिक्षित समाज था, संपन्न लोग थे इस पाटन नगर में। लेकिन आए दिन वो उत्पात किया करते थे, कहते हैं मंदिर पर आकर के उत्पात करते थे, जिसे भैरवनाथ अत्यंत क्रोधित हुए। और एक बार भैरवनाथ ने पाटन नगर को पलट दिया, जिसे पूरा का पूरा नगर रसातल में चला गया था। ये वही स्थान है जिसे जहाँ कभी पाटन नगर हुआ करता था। माँ बीसभुजा मंदिर के प्रांगण में ही हनुमान जी महाराज का भी मंदिर स्थित है। जैसा कि शास्त्रोक्त विधान है, भैरव और हनुमान जी दोनों भगवती के साथ में रहते हैं, अतएव भगवान भैरव यहाँ पर सदैव विराजमान है ही। पीछे जो मूर्ति है भगवती के पीछे, और भगवती के प्रांगण में ही हनुमान जी महाराज का यह स्थान लगभग 250 वर्ष पुराना है। 250 वर्ष पूर्व में इनकी यहाँ पर स्थापना की गई थी, उसके उपरांत यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है।